ए के मिश्रा बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात आज महाभारत में आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, डॉक्टर हड़ताल पर है, जनता आईसीयू में है, लेकिन ममता बनर्जी डॉक्टरों को सुरक्षा देने की बात तो नहीं कर रही है, उल्टी उन्हें धमकी दे रही है। और इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी बात होगी आज महाभारत में। और इसीलिए जो सवाल हम पूछ रहे हैं, सवाल कि क्या चुनाव में हार से बौखला गई है ममता, महाभारत में सवाल ये भी कि क्या बगैर सुरक्षा के डॉक्टर्स काम कर सकते हैं। फिसल रहा है बंगाल। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करा दूं। एके मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक। सीधा सुनिए, टीवी फुटेज झूठ बोल रहे हैं क्या वहाँ के? भाजपा ने, आप हमको ये बता दीजिए जो यह कहा का रीति है। ठीक है, सुनिए राहुल चक्रवर्ती सुनिए, हड़ताल कर देंगे मुख्यमंत्री, हड़ताल कर सकते हैं डॉक्टर से? सेवा कैसे की जाती है सर, जरा उनसे सीखिए। एके मिश्रा बोल रहे हैं के सबसे बड़े वो फिजिशियन। अरे डॉक्टर को सेवा करना पड़ता है, डॉक्टर का धर्मघट या हड़ताल नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों को इतना सारा बीमार आदमी, उनका क्या कसूर है? दीदी की दादा जितना सारा बीमार आदमी उसका क्या कसूर है? दीदी की दादा क्या कसूर है? ठीक है राहुल चक्रवर्ती, मैं जवाब एक सतीश, अरे आप मदर टेरेसा से सीखिए ना, आपको सीखना है। सुनिए, एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हैं? सतीश प्रकाश नहीं, मैं किसी पक्ष, आप लोग जबरदस्त इसको पॉलिटिकाइज कर रहे हैं। राहुल चक्रवर्ती सुनिए एक मिनट, सवाल सतीश प्रकाश, किसी पक्ष को नहीं दबाया जा रहा, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मैं राहुल चक्रवर्ती से पूछ रही हूं। डॉक्टर तो सिर्फ ये कह रहा है हमें सुरक्षा दीजिए, उन्हें ये प्लकार्ड पकड़ना पड़ रहा है नॉट अ टेररिस्ट, उन्हें उस स्थिति में किसने पहुंचाया है? देखो मैं एक नेचुरली जो है वो भी बंगाल का हिस्सा है जो डॉक्टर कर रहे हैं, एक बात सुनिए, काम कर रहे हैं, अगर उनको उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 घटनाएं होती है। आप मेरी बात सुनिए ना, आप 100 घटनाएं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं मैं, यूपी की भी बात कर रहा हूं सर। नहीं, कोई मरीज है अगर उसकी आम तौर पर जो मरीज है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती है। मेरे हिसाब से डॉक्टरों का ये राइट है कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिले। हाथ में थमा दी और इस बात की चर्चा करानी शुरू कर दी, चर्चा कराइए ना। अगर जो मरीज है, सतीश प्रकाश, आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात करिए, आप असम की बात करिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप किसी भी राज्य की बात करिए, लेकिन किसी भी राज्य में अगर डॉक्टर और मरीज के बीच, दोनों चीजें डॉक्टर और मरीज के बीच में एक रिश्ता है, अगर डॉक्टर भगवान है तो मरीज जो है वो सेवा लेने के लिए कहीं ना कहीं पैसा दे रहा है। इस देश में इस तरह की कोई ठोस नीति नहीं है। अगर आप ये बताइए, डॉक्टरों ने शिकायत की तो उसका हल क्या था? उसका हल क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स का झगड़ा सरकार से नहीं है, ये तो हर जगह होता है, हर जगह, कई जगह डॉक्टर मरीज जो है, कई जगह डॉक्टर शिकायत करते हैं, ये समस्या रही। आप उसे हिंदू मुसलमान बनाएंगे? उनको हाथ में डंडे लेकर के बाहर नहीं जाना चाहिए, उनमें कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, वहाँ के स्थानीय थाने में से जाकर संपर्क करना चाहिए। सरकार से झगड़ा नहीं, मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं आप एक छोटी बात को हम बहुत ज्यादा तूल दे, छोटी बात है ये, छोटी बात है, ये छोटी बात है। वहाँ पे डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, काम करने से मना कर रहे हैं, उन पर एक्शन की बात कर रहे हैं, तब भी नहीं आ रहे हैं काम पर। कराने से पहले भारत में एक ठोस नीति बनानी चाहिए, नहीं आ रहे हैं जबकि उन्हें बोला जा रहा है। जो मरीज है उसका जो पक्ष है और जो हॉस्पिटल है, जैदी जी, इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान कौन बना रहा है? ये कहां तो बना रहे? ममता बनर्जी क्यों कह रही है? ममता बनर्जी ने क्या कहा? मरीज और डॉक्टर के बीच का झगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी कह रही हूं। मरीज और डॉक्टर के बीच का झगड़ा है तो ममता दीदी जाके क्यों बोल रही है? अरे भाई, मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मुख्यमंत्री है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर जैदी जी अभी तक नहीं बोले हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं जैदी जी के पास आऊंगी। नहीं, एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन इस मामले को हिंदू मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है, इसी पर बात, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। इतिहास
चलिए महाभारत में मैं सीधे आ रही हूँ जैदी जी आपके पास, ब्रेक से पहले आपसे बात नहीं हुई। जैदी जी, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर और मरीज का झगड़ा था, इसे हिंदू मुसलमान किसने बना दिया? इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है? चेता जी, पश्चिमी बंगाल की वर्तमान स्थिति के लिए दोनों सरकारें मौजूद जिम्मेदार है। कुछ दंगाइयों का समर्थन राज्य सरकार कर रही है और कुछ दंगाइयों का समर्थन केंद्र सरकार कर रही है। दोनों खत्म हो गया, कम्युनिस्ट उड़ गए, दोनों पे गाली दे, दोनों पे गाली दे, दोनों पे गाली दे, ये आतंकवाद। आपको पूछने वाला नहीं बनता, रोड से बाहर कर दिया मुख्यमंत्री को, शोभा देता है। आप देश भी चलाना चाह रहे हैं, देश भी चला रहे हैं। आपको बंगाल की जनता ने समेट लिया, बोरिया भी और आपका समेट दिया। ये आपका सच है, खोल दीजिए ना, की राजनीति करने वाला बताइए, नाम बताइए, ज्ञान दे रहे हैं। ये खूनी खूनी राजनीति के ये पुरोधा है, ये खूनी राजनीति के पुरोधा है कम्युनिस्ट वामपंथी। सुनो, हौसला क्या है? अरे हमें खूनी राजनीति नहीं सुननी है, सुनो, आप उसके पुरोधा है। आपने इस देश में खून की राजनीति खेली है, आप वामपंथी हो और आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो दंगाइयों का। हिंसा करते थे, हाँ। वो हिंसा दुर्गा का था, जैदी आज जी। वो हिंसा आपको क्या लग रही है? जैदी जी, आपके बगल में बैठे सतीश प्रकाश ने कहा और बंगाल में डॉक्टर और मरीज के बीच का झगड़ा था। अगर ये डॉक्टर और मरीज के बीच का झगड़ा था तो इसका इसका हल तो बहुत आसानी से सरकार निकालते कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाएगी। मिलकर बंगाल क्यों चलाना चाहते? जैदी जी, आपकी बात सुनिए ना, हल ना निकाल कर आप क्या कर रहे हैं? समेट दिया है, हिंसक कौन है? अरे आपसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है, ममता हिंसक नहीं है, वामपंथियों से बड़ा हिंसक और कम्युनिस्टों से बड़ा हिंसक कोई नहीं है। ठीक है, सतीश प्रकाश और एके मिश्रा, मेरे पास समय कम है। एके मिश्रा, सतीश प्रकाश, एके मिश्रा, सतीश प्रकाश, इनको पैसा नहीं है, एक साथ नहीं, नहीं नक्सली भीड़ का हिंसात्मक व्यवहार है उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है? और कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, कल एक यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है, भीड़ ने कर लिया है ना, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए था महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी बात नहीं करूंगी। अगर डॉक्टर मरीज का झगड़ा है जैसा सतीश प्रकाश कह रहे हैं, वो उसे उसी तरह से देखना चाहिए। अगर इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है तो ये सरकार ही दे रही है, क्यों दे रही है ये सोचना होगा, ये कैसी राजनीति है ये सोचना होगा। महाभारत में इतना ही, हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।